Assalamu alaikum class 7, this is lecture 26. In this lecture, we are going to start a new tense, past perfect continuous tense. जी, past perfect continuous tense. जैसे कि आपको मालूम है कि कोई भी tense हो, वो कोई ना कोई action describe करता है, क्योंकि tense किससे बनता है? Verb से बनता है. आपको हर class में बताया जाता है कि tense वर्ब से बनता है. अब वर्ब क्या है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ब. वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. अब दैट्स मीन हर टेंस में कोई ना कोई एक्शन डिस्क्राइब किया जाता है. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कौन से एक्शन डिस्क्राइब किए जाते हैं? ऐसे एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे और पास्ट में ही कुछ अरसे के लिए जारी थे. पास्ट में स्टार्ट हुए थे यानी कि माजी में ही शुरू हुए थे और माजी में ही कुछ वक्त के लिए जारी थे. फॉर एग्जाम्पल दैट आई हैड बीन स्टडिंग नॉवल for 2 days. पास्ट में नॉवल पढ़ना शुरू किया था मैंने और पास्ट में ही 2 दिन तक पढ़ता रहा था. यानी ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हो, गुजरे हुए जमाने में शुरू हो और गुजरे हुए जमाने में ही कुछ अरसे के लिए जारी रहा था. Now, let us discuss about their formation. Formation में आपने तो देख लिया है कि इसमें हमने helping verb had been use किया है. कौन सा helping verb use किया है? Had been use किया है. इसमें सिर्फ हम had been use करते हैं. Helping verb had been use किया जाता है और verb की fourth form use करते हैं. Verb की fourth form use करते हैं. कौन सी form use करते हैं? Fourth form use करते हैं. अब इसमें फॉर्म के हवाले से सिमिलैरिटी पाई जाती है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ. देन हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बोथ ऑफ दिस सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड टाइम. विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड टाइम. क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम वॉज या वर्ड का यूजेज करते हैं. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम वॉज या वर्ड का यूजेज करते हैं. और दूसरी, इनकी उर्दू की पहचान भी सेम है. पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी रहा था, रही थी, रहे थे आता है उर्दू जुमलों के आखिर में, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के उर्दू जुमले के आखिर में भी रहा था, रही थी, रहे थे आता है. अब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? आप कैसे कह सकते हैं कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है या ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है? उसके लिए मैं एक सेंटेंस राइट करती हूँ आपके लिए. लुक एट दीज बोथ सेंटेंसेस. फर्स्ट वन देखिए, बारिश हो रही थी. इसमें सिंपल बात हो रही है कि एक एक्शन पास्ट में हो रहा था. दूसरा सेंटेंस देखिए, सुबह से बारिश हो रही थी. पहले वाले में सिर्फ एक्शन की बात हो रही है, मगर दूसरे वाले में टाइम के साथ एक्शन की बात हो रही है कि एक्शन कब से हो रहा था. तो यही आप लोगों की जो है पहचान है कि आप दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंशिएट इसी तरह से कर सकते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिर्फ हम एक्शन को डिस्कस करते हैं जो पास्ट में गुजरे हुए जमाने में कुछ वक्त के लिए जारी थे, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम उन एक्शन को डिस्कस करते हैं जो माजी में शुरू हुए थे और कुछ वक्त के लिए जारी रहे थे. और इनमें क्या होता है? टाइम मेंशन होता है. क्या मेंशन होता है? टाइम मेंशन होता है. अब उर्दू की पहचान हमने डिस्कस कर ली, हेल्पिंग वर्ब डिस्कस कर लिया, फॉर्म ऑफ वर्ब डिस्कस कर ली. अब जो मेन चीज है जिससे हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट होता है, वो है टाइम. इंग्लिश सेंटेंस में टाइम. स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं कि बाकी सेंटेंस तो राइट कर देते हैं लेकिन टाइम नहीं मेंशन करते हैं, तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम गलत यूज करते हैं. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम क्या यूज करते हैं? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यूज करते हैं टाइम को मेंशन करने के लिए.
टाइम मेंशन करने के लिए हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यूज करते हैं जो कि हमारे पास मौजूद है सिंस और फॉर की। सिंस और फॉर की टाइमिंग प्रेपोजिशन यूज करते हैं। सिंस कब यूज करते हैं? जब हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है, हमें पता होता है कि ये एक्शन एक खास वक्त से शुरू हुआ था, जैसे कि सुबह, शाम, इवनिंग, मॉर्निंग, इसी तरीके से नेम ऑफ वीक, यानी इस डे पर जो है सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे ये एक्शन हुआ, या मंथ नेम आपका जून, जुलाई, अगस्त, या आपके ईयर के नेम। एग्जाम्पल साथ साथ राइट करती जाती हूँ, आपके लिए क्लियर होता जाएगा। सिंस के लिए हम स्पेसिफिक टाइम के साथ यूज करती है, लाइक मंडे, ट्यूसडे, लाइक अगस्त, दिसंबर, लाइक 2005 यानी 2005, और 2020 टाइम के साथ डेज के मॉर्निंग, इवनिंग। तो जब हमारे पास ये स्पेसिफिक जो है टाइम आ जाता है, पर्टिकुलर टाइम की हमें एग्जैक्ट पता होता है कि इस टाइम पर हमारा ये एक्शन हुआ है, तो हम सिंस यूज करते हैं पर्टिकुलर टाइम के साथ। लेकिन अगर हमारे पास स्पेसिफिक टाइम ना हो, टाइम डिफाइन ना हो, इनडिफाइन टाइम हो, तो फिर हम फॉर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फॉर यूज करते हैं। फॉर किसके साथ यूज करते हैं? लाइक फोर डेज, लाइक एट मंथ्स, लाइक वन ईयर, लाइक टू आवर्स। लेकिन अगर हम यूज करें टू आवर्स की जगह 7 o'clock, तो फिर हम क्या यूज करेंगे? सिंस। तो ये तो हमारा जो है इंट्रो था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए। सिंस और फॉर के यूसेज के बाद आपने टाइम मेंशन करना है। अब हम अपनी एफओजी की तरफ आते हैं। जी, डेफिनेशन में उन्होंने क्या राइट किया हुआ है? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कंटिन्यूड और ऑनगोइंग एक्शन। हमने भी यही बात की थी कि ऐसे एक्शन जो जारी थे उनको एक्सप्रेस करने के लिए, या ऑनगोइंग, दोनों का मीनिंग सेम है। दैट स्टार्टेड इन पास्ट, जो माजी में शुरू हुए, एंड कंटिन्यूड और जारी रहे टिल सम टाइम इन पास्ट, कुछ वक्त के लिए माजी में। यही हम डिस्कस करके आए हैं। देयर विल बी अ टाइम रेफरेंस। टाइम रेफरेंस होगा सिंस, सच एज सिंस 1980 फॉर 3 years एक्सेट्रा, फ्रॉम विच द एक्शन हैड स्टार्टेड, जहां से एक्शन शुरू हुआ था। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन है हमारे पास। फॉर्मेशन आपने अपनी रफ नोटबुक पे 10-10 टाइम राइट करनी है। सब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल कह लें, आप फर्स्ट फॉर्म कह लें, प्लस आईएनजी, प्लस फोर्थ फॉर्म कह लें, कुछ भी कह लें। देन ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, सिंस और फॉर। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के साथ सिंस और फॉर मस्ट मेंशन करें, टाइम नहीं मेंशन करते लेकिन सिंस और फॉर मस्ट मेंशन करें। देन टाइम, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये आपके पास एग्जांपल है, आपने इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट वन सॉल्व है आपके पास, दूसरे में भी आपने सेम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यूज करना है। टाइम के अकॉर्डिंग आपने सिंस और फॉर यूज करना है। अगले में आपने सिंस के अकॉर्डिंग टाइम यूज करना है, फॉर के अकॉर्डिंग टाइम यूज करना है। इस तरीके से आपने इस एक्टिविटी को सॉल्व करना है। जी, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको कही थी। स्पेसिफिक टाइम के साथ सिंस आएगा और जनरल टाइम के साथ फॉर आएगा। जब टाइम डिफाइन नहीं है प्रॉपर, तो आप फॉर यूज करेंगे, और जब स्पेसिफिक टाइम आ गया तो सिंस का यूसेज करेंगे। अब यहाँ पर टेबल है, कि इस टेबल को आपने लर्न भी करना है बहुत अच्छे तरीके से, और कोशिश करें कि राइट करें अपनी प्रैक्टिस के लिए। सिंस
पहले ही मैं डिस्कस कर चुकी हूँ नेम ऑफ डे के साथ, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ आवर, फोर नंबर। जहाँ नंबर आ जाएंगे फोर आएगा, जहाँ पर नेम आ जाएगा वहां पे सिंस आएगा। नेम स्पेसिफिक हो जाता है, नंबर इनडिफाइन हो जाते हैं। अच्छा जी, ये तो हम डिस्कस करके आ गए, यहाँ पर आते हैं। अच्छा, अगर बात आ जाए यहाँ पर मेनी डेज की, सेवरल डेज की, तब भी फोर यूज करेंगे। टाइम मेंशन होगा तो सिंस आएगा। अच्छा, कोई ऐसा इवेंट जिसमें हम टाइम नहीं मेंशन करते स्पेसिफिक, लेकिन हम बात करते हैं कि जब से ये काम हुआ, सिंस द बिगनिंग ऑफ द ईयर, सिंस द बिगनिंग ऑफ द मंथ, बिगनिंग ऑफ द डे, तो फिर हम सिंस यूज करेंगे। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से हम लेकर चले जाते हैं तो तब भी हमारा टाइम डिफाइन होता है, पर्टिकुलर होता है। यहाँ पर देखिए सिंस व्हेन, व्हेन के साथ आप सिंस यूज करेंगे, कब से, तब भी हम डिफाइन कर रहे हैं टाइम को। सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से भी हम जो है क्या कर रहे हैं, सिंस यूज कर रहे हैं। लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, एवर सिंस, हमेशा से, क्योंकि हम हमेशा की बात कर रहे हैं, प्रॉपर हमने टाइम डिफाइन कर दिया। लेकिन हाउ लॉन्ग, जब हम खुद ही पूछ रहे हैं कब से, हमें एक्शन नहीं पता है, टाइम नहीं पता है कि एक्शन के टाइम कब है, तो फिर हम फोर यूज करेंगे। फोर, हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन सेंटेंस के शुरू में यूज करेंगे, एंड पे नहीं। इसी तरीके से फॉर लास्ट टू इयर्स, फॉर लास्ट फोर मंथ्स, हमने फोर की प्रपोजिशन यूज करनी है। एक्टिविटी में आपकी, मैंने आपको बता दिया, कोशिश करें टेबल लर्न करके राइट करें, और एक्टिविटी एक आपके ऊपर आई है फिल इन द ब्लैंक की। अब दूसरी आपके पास ट्रांसलेशन है, पहचान हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने आज एफओजी की सिर्फ 1 to 7 सेंटेंसेस राइट करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 7। कल हम इसको डिस्कस करेंगे, टैली करेंगे, जैसे हम करते होते हैं कि एक दिन आपको होमवर्क मिलता है और अगले दिन हम अपना काम टैली करते हैं, चेक करने के लिए कि कोई मिस्टेक ना रह जाए। ठीक है।